नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछी स्वागतिका जमी माफिया नजर महाप्रभु जगन्नाथ जमी निज नारे रेकर्ड करिबा नै असाधु उपाय अवलंबन करुछंती जमी दलाल श्रीमंदिर प्रशासन नकली निर्देशनामा हेउ अबा सुप्रीम कोर्ट को आदेश फर्जरी करबा को पछाउ नाहती नकली दस्तावेज पर्दाफाश करिछंती बालेश्वर सोर तहसीलदार अभियोग परे श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर तदंत करी नकली बोली कहुई एथिरे चंचकता करिथिबा कर्मकर्ता एवं अधिकारी विरोध में सिंहदुर थाना रे एतला देछि श्रीमंदिर प्रशासन। जगन्नाथंक जमीर बड़ केलेंकारी जमी हड़प्र अभिनव षड़यंत्र फेक चिठीरे कब्जा करिबाकु प्रयास नकली दस्तावेजर पर्दाफाश जगन्नाथंक जमी जबरदखल नुहे बरं निज नामरे स्थितिवान करिबाकु प्लान करिछंती असाधु उपाय आउ व्यवहार करिछंती श्रीमंदिर कार्यालयर फेक लेटर पैड सुप्रीम कोर्टक नकली आदेश जमी दलालंकर एभली षड़यंत्रर पर्दाफाश होईछि बालेश्वर जिला सोर अंचलरे देखंतु एही चिठी गुड़िकु चिठी नंबर 1500 तारीख 17/2/21 श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु तत्कालीन प्रशासक प्रदीप दासंक दस्तखत रहिबा सह सोर तहसील अधीनरे थिबा मौजा रायपुर कमिणपुर सिरापुर और ब्रह्मपुर रेकर्ड संशोधन करि सुप्रीम कोर्टक आदेश मुताबक होईछि रेकर्ड एहार खाता और प्लॉट गुड़िक एही चिठी सह संलग्न होइथिबा उल्लेख रहिछि एहा पूर्वरु 5/1/2021 रे 136 नंबर चिठी रे एही विषय उल्लेख करी सोर तहसीलदार को मध्य पठा जाइथिला सेहिपरि चिठी नंबर 1532 तारीख 1/9/2020 रे आउ एक चिठी श्रीमंदिर प्रशासन रु सोर तहसीलदार को पठा जाइछि श्रीमंदिर प्रशासन रेकर्ड संशोधन को नहीं आसीथिबा चिठी को नहीं संदेह हेबारु अवगत कराइथिले सोर तहसीलदार तदंतरे जनापड़ी जे समस्त चिठी नकली और श्रीमंदिर प्रशासन प्रेरण रजिस्टर रे कौनसी चिठी जाई नाही ऑफिस रेकर्ड देखिलु जे से चिठी आमर श्रीमंदिर प्रशासन तरफ रु इश्यू करा जाई नाही एटा कौनसी बदमाश करा जाए कि से चिठी रे फर्जरी करा जाई छे प्रशासक श्रीमंदिर दस्तखत करी सेटा तंका नारे निज नारे से माने जमी करिया महाप्रभु जमी को निज नारे करिया किछि लोकंकर एथिरे इविल डिजाइन रहिछि श्रीमंदिर प्रशासन अनेक कर्मचारी जमी दलाल मधुचंद्रिका जोगु महाप्रभु एकर एकर जमी एबे जबरदखल साधारण लोकटीए जगन्नाथ नाम निज भिटामाटी को यूनिफर्म पॉलिसी रे पाई पारु नथिबा बेले श्रीमंदिर प्रशासन चिठी किभली नकल हो पारुछि प्रश्न उठाई वरिष्ठ सेवायत सेपटे मंदिर प्रशासन एभली नकली चिठी जेउथिरे रेकर्ड संशोधन और प्रजा नाम स्थितिवान करिबा राजस्व आईनर उल्लंघन पुणी सुप्रीम कोर्टक निर्देशनामा और विचारपति ना को नकल करिबा अक्षमणीय अपराध एथिरे जमी दलालंक सह एक रैकेट कार्य करुथिबारु उच्चस्तरीय तदंत क्राइम ब्रांच बा सीबीआई द्वारा तदंत करिबाकु दाबी करिछंती सेवायत और भिटामाटी सुरक्षा मंचर आवाहक श्रीमंदिर प्रशासन तरफ एक फल्स फर्जरी चिठी कराई ये सब जमी जमा रेकर्डभुक्त करने किए जन युव षड़यंत्र करोटा आदौ ग्रहण नुहे श्रीमंदिर प्रशासन जहाँ आम जानतर अच्छी यू कार्य संपृक्त नाथिव कितु जहाँ भी होती यार विधिभुक्त तदंत कर क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया जाओ ये महादुर्नीति जगन्नाथ ना एवं सुप्रीम कोर्ट को लोग लगे एवं जगन्नाथ प्रशासन मंदिर प्रशासन तरफ चिठी जाकर शह शह एकर जमी उपर जो बड़े एक मानने चंचकतापूर्ण कार्य ये निश्चित भाव खाली अपराध नुह आपको गोटे हाई लेवल सुप्रीम मानने जेहेतु सुप्रीम कोर्ट कथा इनवल्व हो क्राइम ब्रांच कि सीबीआई इनक्वारी हवा दरकार जगन्नाथ महाप्रभु 50,000 एकर अधिक संपत्ति रही बेले रेकर्ड संशोधन अभाव माफिया कब्जा दलाल माने एबे प्रशासन नकली दस्तावेज करी जमी हातेइबाकु करुछंती षड़यंत्र उपयुक्त तदंत हेले श्री जगन्नाथ जमीर बड़ केलेंकारी पर्दाफाश हो पार पुरी कैमरामैन अमरेन्द्र अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया।
कम करूनी सचेतनता कार्यक्रम ब्रह्मपुर बढ़ी बढ़ी चलाना डेंगू रोगी संख्या एपरिक सहर प्रत्येक वार्ड चिन्हट हो सारे डेंगू रोगी सचेतनता कार्यक्रम को व्यापक करने सहित आवश्यक पदक्षेप ने दावी कर ब्रह्मपुर बासिंदा सेपटे सचेतनता और सफे कार्य को गुरुत्व दि जाऊसी कमिशनर पुणि ब्रह्मपुर को कबलित कलानी डेंगू गंजाम जिले 165 डेंगू रोगी चिन्हट होता बेले केवल ब्रह्मपुर 62 रोगी सहर प्राय 40 वार्ड में डेंगू काया मेलाइले जाए सफा होनी नाल नर्दमा घर पाखे जमी रही कुढ़कुढ़ अलिया आवर्जना आपण देखुवा नाल नर्दमा ब्रह्मपुर सहर बहु गलिकंदी सफे न हो पड़ रही छड़ा डेंगूर कारण और निराकरण नहीं सचेतनता कार्यक्रम आखिदृश्य हो डेंगू कथा मन पड़े दिने अधे सचेतन करी फेरी जाउछि पीएमसी फलरे लोके डेंगू प्रति सचेतन नहेपारु वृद्धि पाउछि रोग डेंगू को रोकिबा पई बीएमसी तुरंत सचेतनता कार्यक्रम को व्यापक करने सहित आवश्यक पदक्षेप नेबाकु दाबी करिछन्ति ब्रह्मपुर बासिंदा डेंगू रो प्रादुर्भाव व्यापक भाव बढ़ुची ना नाल नर्दमा सफा हो पारुची ना फिफा मिशिन बुलुची कौन सी प्रकार म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन तार उपरे कौन सी धारणा भी तापई सचेतन भी ना कि मशार प्रादुर्भाव को किपर बंद हम ए मशा द्वारा जो डेंगू हूँ ए मशा को किपर भाव रोक जापर तार व्यवस्था जदि कर रोगी संख्या कमे सेपटे ब्रह्मपुर सहर से डेंगू रोग नियंत्रण में रही कहते बीएमसी कमिश्नर सहर प्रत्येक वार्ड बुली लोक सचेतन करा डेंगू रो कारण और निराकरण सहित जो मैंने डेंगू पॉजिटिव रही चिकित्सा सुविधा जगै दि जाऊा सहर से रही ड्रेन सफे को मध्य गुरुत्व दि जाऊता बेले लोके निज घर एवं घर निकट में कौन स्थान में किभली पा जमा हो न रहे से नहीं दृष्टि देवा आवश्यक लोकों सहयोग में खूब शीघ्र सहर रु डेंगू दूर होती बीएमसी कमिश्नर समस्त को मोर आह्वान कि डेंगू जेहेतु स्वच्छ पानी सफा पानी रे तैयारी होठी कि बर्षा पानी हो अन्य पानी हो आम घर पड़ीसा जगह हो अन्य घर सामना पड़े जोटी अच्छी सेठी जमा हो तो ताको अपन निहाती क्लियर करंतु तो आम निश्चित रूपे डेंगू पर कंट्रोल करि परिबा भुवनेश्वर कटक परे एबे ब्रह्मपुर काया विस्तार कलानी डेंगू खूब शीघ्र सचेतनतार सह निराकरण पई पदक्षेप निया न कले आगामी दिन में डेंगूर उग्र रूप सहर से देखा मिलपे ब्रह्मपुर कैलाश बेहरा न्यूज 18 ओडिया युक्त दुई प्रथम वर्ष ऑफलाइन क्लास में चली प्रस्तुति गणशिक्षा विभाग चिठी पर सेकेंडरी स्कूल पक्षर् जोर धरी प्रस्तुति प्रथम दिन में केमी करेंगे इंडक्शन क्लास एने अध्यक्ष स्तर में प्रस्तुति सीएचएससी सिलेबस और नुआ परीक्षा ढांचा उपरे विशेष गुरुत्व ए वर्षठ वर्षक होब चारोटी परीक्षा कोविड जगु प्राय तीन मास विलंब से आरंभ हो शिक्षा वर्ष युक्त दुई प्रथम वर्ष छात्र छात्री तीन मास विलंब से आसवे स्कूल आसंता 21 तारीख रु आरंभ हेब ऑफलाइन क्लास प्रथम दिन में नुआ फॉर्मेट और परीक्षा ढांचा नहीं हेब स्वतंत्र आलोचना प्रतिवर्ष छात्र छात्री को देवाक हेब चारोटी परीक्षा तीन अंतर हेब गोटे परीक्षा प्रति विषय 20 नंबर लेखाए 45 मिनिट परीक्षा देवे परीक्षार्थी परीक्षार नंबर सीएचएससी वेबसाइट रे अपलोड करा वर्ष शेष में जदि कौन कारणवशतः परीक्षा हो नपे यहाँ आधार कर मूल्यायन हो पार सबुठ बड़ कथा राज्यव्यापी सबु परीक्षा एक समय कॉलेज स्तर में हो खूब शीघ्र एने नोटिस कर सीएचएससी निरंतर मूल्यायन पद्धति जो उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद करा पानू अधिक चाप दवाप नुहे बर चापमुक्त करने कहीं से जीक पाठ पढ़ुवे से परीक्षा एवं जो परीक्षाटा सारा राज्य में गोटे व्यवस्थित एवं यूनिफर्म मेनर में से परीक्षाटा से देते व्यवस्था कराई से जो प्रोग्रामा भी टी फ्लेक्सिबल कराई अन्यपटे गणशिक्षा विभाग चिठी पर हायर सेकेंडरी स्कूल गुड़िकर युक्त दुई प्रथम वर्षर पिला स्वागत चली प्रस्तुति 21 तारीख में प्रथम हेब इंडक्शन क्लास नवंबर 1 रु स्कूल पोशाक और परिचय पत्र बाध्यतामूलक एकादश श्रेणी में दशम श्रेणी पाठर संपृक्त अंश आलोचना हेब इंडक्शन क्लास रे जने जने अभिभावक अनुमति रही पिला स्वागत प्रस्तुति आरंभ होइछि कोविड नियम अनुजाई पिलांक बसिबा व्यवस्था सफेई
ସାନିଟାଇଜେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଦିନ 10ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ବେଳେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ଲାସ୍। ସେହିପରି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ କେବଳ ସେହିମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। କରୋନା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଫଲୋ କରିବୁ, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆୱେର୍ କରିବୁ। ବାହାରେ ବି ଆମେ ମାରିବୁ ଟିକେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ହେଇକା ଏବଟ COVID-19। ତା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆମର କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲେଜ ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନାହିଁ ଅଲଗା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳ 7ରୁ 10:30 ଯାଏଁ କରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ କଥା ବି ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ। ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲେଜ ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆମର 10ଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି ପିଲା ଆମର କ୍ଲାସ୍, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲେଜ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଏବେ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପିଲା ବି ଆସିବେ। ଆମର ରୁମ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 10:30ରୁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛୁ 1:30। କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସଫେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଓ ଦାଖଲ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ AICTE ଏବଂ IOSR ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତି ଅବସ୍ତର ବେଉରିଆ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ IIT ଖଡ଼ଗପୁର ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳିଆ କ୍ଲିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଡିପ୍ଲୋମା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, MTech ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହାର ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ଯେଉଁଭଳିଆ ମହାନୁଭବମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା, କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାତୃଭାଷା ଆଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ, ସଂସ୍କୃତ ନୁହେଁ, ମାତୃଭାଷା ଆଧାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯାହାର ଯୋଉଟା ମାତୃଭାଷା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମାତୃଭାଷା। ବ୍ରିକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡ୍ରାମା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବିତ କହି ତେଲ ଲଗାଇ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଜୀବିତ କହି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମୃତଦେହ ଧରି ପଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ଯାହାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ହୋଇଥିଲା ନାକେଦମ। ଏଭଳି ଏକ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବହିର୍ବିଭାଗରେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲ୍ମି ଥାନା ବଙ୍କିଡ଼ି ଗାଁର ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଆକାଶ ନାୟକ ଜଣେ ଯୁବକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ି ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ମୃତ ନୁହେଁ ଜୀବିତ କହି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି। ଭିକାରୀ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଯେଉଁ ହାଇ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବିତ କହି ତେଲ ଲଗାଇ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଥିଲା? ହଁ ସ୍ୱାଗତିକା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିମି ଥାନା ବିଡିଙ୍ଗାର ଆଲୋକ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ, ଯିଏକି ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଅପରାହ୍ନରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ ଡେଡ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇନଥିଲା। ପରିବାରର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତାକୁ ମୃତ ନୁହେଁ, ସେ ଜୀବିତ ବୋଲି କହିକି ପ୍ରାୟତଃ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ପ୍ରାଣ ରହିଥିବା ଲୋକ
तेल मालिश कले पुनर्जीवित हो जाती तेणु से निश्चित थे जे तांकर आलोक नायक निश्चित भाव में जीवित अच्छा एवं डाक्टर भूल कहते एभली भाव प्राय तीन चार घंटा चलला डाक्टर जिते बुझेले पर लोक आद बुझ नथिले सेतरे पुलिस आसला एवं पुलिस बुझेवा बहुत चेष्टा करथिला तथापि पर लोक बुझ नथिले एपरिकि सेमाने आलोक नायक जीवित अच्छा एवं सेमाने तांकु सेठारु नै जाय बसिले किंतु जेहेतु डाक्तरखाना रे पहुंचिछि एवं डाक्तरखाना रे डाक्तर मृत घोषणा करथंती किछि पारापण्य रही जो कि शव व्यवच्छेद करसबू तेणु शव को डाक्तरखाना से भली अवस्था छड़ा ना किंतु से परिवार लोक आलोक नायकों परिवार लोक से कथा को आज शुणि नथिले प्रायतः तीन रु चार घंटा पर बहु बुझासुझा करा डाक्तरखाना आहुरी अनेक डाक्तर आसी बुझासुझा करा परिस्थिति को सेमाने बुझिथिले एवं शव को व्यवच्छेद पठा जाइथिला स्वागतिका होय त भिकारी परिवार लोक पर आलोक मृत्यु को सहज रे ग्रहण करि पारि नथिले सेथिपई होय त एभली हॉस्पिटल परिसर रे एभली हाई ड्रामा देखबा को मिलिथिला एवं आशा थिला होय त तेल मालिश कले होय त काले जे जीवित होई जिबे सेथिपई मृत व्यक्ति को शरीर रे तेल मालिश करथिले परिवार लोके धन्यवाद भिकारी आपन को समस्त सूचना पाई। परवर्ती खबर को आसपा अपहरण होता नाबालिका उद्धार करने को स्वतंत्र अभियान भुवनेश्वर कटक कमिश्नरेट पुलिस पक्षर् आरंभ है प्रारंभ योजना प्रतिवर्ष केवल भुवनेश्वर में 300-350 अपहरण मामला रुजु होती अधिकांश घटना देखा मिलू बह प्रलोभन देखा नाबालिका मान अपहरण जहां पुलिस चैलेंज सृष्टि कर संपर्क में आज सूचना देते पुलिस कमिश्नर से कहते गत 6 मास ते आरंभ होता किडनापिंग सेल द्वारा ट्विन सिटी 241 जन नाबालिका उद्धार कर 95 अपहरण अभियोग तदंत शेष सोशल मीडिया माध्यम रे एबे नुआ अभियान संपर्क रे सचेतन करा जिवो स्कूल और कॉलेज गुड़ी करे कर्मशाला करा जिवो प्रारंभ योजना रे अभियोग करबा पई पुलिस हेल्पलाइन नंबर मध्य जारी करी छि ए नंबर टी होउची 2545445 ए नंबर रे कॉल करी नाबालिका अपहरण संपर्क रे अभियोग करि परिबे ए नंबर टी केवल भुवनेश्वर पई उपलब्ध हेबो। आमे किस एवं एसएन महांती फाउंडेशन रो माने मिलित सहयोग रे पुलिस कमिश्नर तरफ रु आज एक कार्यक्रम आमे लॉन्च करूछु जार ना हला प्रारंभ ए जो कार्यक्रम रो चारिटा मुख्य दिग आमे रखिछु प्रथम जिंस हला जे सोशल मीडिया और मीडिया कैंपेन एंड आउटरीच प्रोग्राम मेनली इन स्लम एरिया मु जो कथा कहली इकोनोमिकली वल्नरेबल ग्रुप रे ए मेसेज को पहुँचेबा आम पाई अत्यंत जरूरी आमे जो ए मिलित उद्यम रहिबो सोशल मीडिया और मीडिया कैंपेन करिबू आउटरीच प्रोग्राम करिबू आमे दरकार पड़े बस्ती को जीवु जो सेमी अर्बन एरिया को जीवु सेठी लोकों संगे भेटिबू लोकों काउनसेलिंग करिबू विशेषकर जो पेरेन्ट्स को काउनसेलिंग करिबू जे छुआ को कौन करने पड़ो कौटी छुआ को आकट करने को पड़ो आमे या व्यतीत स्कूल रे वर्कशॉप करिबु स्कूल आउ कॉलेज रे फॉर रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया कहना आज दिन में सबुठ बेसी आमर यंग मास को वल्नरेबल कर दोची सोशल मीडिया। मेरा भी एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का एनजीओ है जिसका नाम है हील। पिछले शायद 1.5-2 साल में हमने देखा है कि एक तो होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में तो फिजिकल अब्यूज, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल में समस्त होती बुलेटिन को एट रखा। नमस्कार।